हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की न्यूज है, पीएम मोदी, यू आर नेक्स्ट, खालिस्तानी चीफ वॉन, बट नाउ अंडरग्राउंड आफ्टर बिग इंसिडेंट इन कैनेडा। वो मुझे समझ में आया। मुझे लग रहा था वो कह रहे हैं कि खालिस्तानियों का नंबर एक के बाद एक लग रहा है, पर वो कह रहे हैं कि उसने, जिसने धमकी दी थी मोदी जी को कि अब तुम नेक्स्ट हो करके कुछ, वो खुद अब अंडरग्राउंड डर के मारे भागा हुआ है। जब से दो न्यूज आई है ना, करेक्ट, दो लोगों में और एक कनाडा में, तो उसके बाद अब उसको डर लग गया और अब वो छुपा बैठा है बेटा। देखो अब तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, पता करते हैं डिटेल्स। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं सोच रहा था हो भी सकता है कि रॉ को इंटेल मिली हो कि ये दो एलिमेंट्स कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं मोदी जी की विजिट के समय, इसीलिए उनको जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। हाँ, और मेरे को ये भी लग रहा है कि क्योंकि कुछ इंटेल मिली है इसलिए मोदी जी की सिक्योरिटी, अभी आप देखो हमने, हाँ हमने अभी जो वीडियो किया है ना इसी चैनल पर, अभी इससे पहले वाली वीडियो देखना, उसमें मोदी जी की इतनी टाइट सिक्योरिटी की हुई है कि मोदी जी होटल के बाहर पूरा लोगों से ढंग से मिल भी नहीं पाए जबकि इतने लोग थे। और आप कभी भी देखोगे ना, मोदी जी जब भी किस मिलते पूरी एंड ऑफ द लाइन तक जाते, हर एक से हाथ मिलाते, सब मिलाते, वो नहीं कर पाए थे। उन्होंने ऐसे उनको घेर के रखा था सिक्योरिटी वालों ने, सर्कल बनाया हुआ था उनके चारों तरफ कि भाई वो लोगों के पास पहुंचे ही ना। उन्हें पहले से ही पता होगा कि मोदी जी ऐसे करते हैं। उन्होंने कहा भैया हम तो चक्रा बना लेंगे, मोदी जी को जाने नहीं देंगे। थ्रेट असेसमेंट के हिसाब से वही, पर चलो वो तो चलता है, बल्कि बेटर है कि ऐसी टाइट सिक्योरिटी होनी चाहिए, उससे ना मन को भी शांति रहती है कि चलो एवरीथिंग इज गुड। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। खालिस्तानियों की आई विदेशों में शामत, ना जाने कौन खालिस्तानियों को विदेशों में मार रहा। 22 जून को पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर धमकी देने वाला खालिस्तानी चीफ पीएम मोदी के अमेरिका जाते ही अंडरग्राउंड हुआ। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है विदेशों में रहने वाले खालिस्तानियों से। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर क्या गए हैं खालिस्तानी, तो अंडरग्राउंड हो गए हैं। और दोस्तों अंडरग्राउंड हो भी क्यों ना, क्योंकि ना जाने कौन विदेशों में खालिस्तानियों को एक के बाद एक निशाने पर ले रहा है। अब ये तो या तो कोई गैंगस्टर है या फिर कोई ऐसे लोग हैं जिनका खालिस्तानियों के साथ लफड़ा हो गया है विदेशों के अंदर, अब वो चुप चुप कर बदले ले रहे हैं। क्या यूके, क्या कनाडा, खालिस्तानियों को डर पड़ गया है कि अपने चीफों को वो विदेशों के अंदर कैसे बचाएं। एक समय हुआ करता था खालिस्तान के ये जो लीडर हैं विदेशों में बैठकर भारत की सरकार को सीधी धमकी दिया करते थे, लेकिन पिछले दिनों जब भारत के अपोजिशन पार्टी के लीडर राहुल गांधी वहां पर गए थे तो खालिस्तानियों ने उनके सामने प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धमकी दी थी और कहा था कि दम है तो आकर दिखाना, हम आपका भी इसी तरीके से जुलूस निकालेंगे। अब दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री तो अमेरिका पहुंचने वाले हैं, खालिस्तानियों का इंतजार है कि आखिरकार वो कौन से रास्ते में रह गए हैं। भारत की सरकार ने यूके के अंदर जो खालिस्तानियों ने एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट किया था, एक एक बंदे की तस्वीर नोट कर ली है और अब एक एक बंदा जो अमेरिका के अंदर भारत की सरकार के खिलाफ खालिस्तान जिंदाबाद या इस तरीके की हरकत करेगा, एम्बेसी के ऊपर हमला करेगा, तो तगड़ी कार्रवाई भारत की सरकार करेगी। दोस्तों अभी तो क्या है, भारत की विदेश मंत्री ने 4-5 दिन पहले कहा था कि एम्बेसी की बिल्डिंग के बाहर खालिस्तानियों ने जो किया है ना, उस तस्वीरों को देखकर मेरे शरीर के अंदर ऐसे चुभन सी होने लग गई थी और ये जो एक चुभन थी बहुत डीप थी और इसी को लेकर अब जवाब तो देना चाहिए था। अब ना जाने कौन जवाब दे रहा है खालिस्तानियों को, भगवान जाने, लेकिन खालिस्तानी अंडरग्राउंड हो गए हैं। हालांकि पीएम मोदी तो अब आ रहे हैं अमेरिका के अंदर, खालिस्तानी पन्नू को चाहिए कि कोई वीडियो तो लॉन्च कर दे, एक भी वीडियो अभी तक नहीं आई है। और बेसिकली भारत के अंदर तो सारे खालिस्तानियों का ये जो एक नज़ारा है देख रहे हैं और खालिस्तानी जो एक पंजाब के अंदर सिखों को तो बहुत एग्रेशन दिखाते हैं कि बेटा अपनी यहाँ पर सरकार के खिलाफ करो, ये बातें करो, वो बातें करो, अब जब विदेशों के अंदर इनकी शामत आई है तो बेचारे अंडरग्राउंड हो गए हैं। जब बंदूक की नली अपने ऊपर आती है ना, फिर बंदूक लगकर चलाना तो यार डर किसको कहते हैं, और खालिस्तान लेना कितनी बड़ी एक शहादत की बात है। अब शहादत देने की बारी आई है तो अंडरग्राउंड होने का क्या मतलब, छाती तान कर दो शहादत, अपनी वीडियो जारी कीजिए, खालिस्तानी अब डर क्यों रहे हैं, सोचने वाली बात है। इससे पता लगता है कि इन्हें खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें पैसों से मतलब है जो पाकिस्तान से इसे पैसे मिलते हैं। खैर आपको क्या लगता है कि कौन खालिस्तानियों को टारगेट कर रहा है, कमेंट में बताइएगा।
अगर आपको कोई अंदाजा है तो भाई हमें तो बहुत अंदाजा है, पर हम तो यही बोलेंगे कि ये उनके कोई अपने दुश्मन इन्होंने की हैं उनके, जो ये इनको अब बदला ले रहे हैं, इनके दुश्मन है या साफ साफ कोई स्पाई एजेंसी जो अपना कार्य कर रही है। समझने वाले समझ जाए भैया। पर देख लो, पहले दी धमकी मोदी जी को कि भाई तुम आओगे या कुछ उस टाइप से हो सकता है, दियो अभी उनके आने से पहले कोई धमकी दी होगी, और जब ये देखे एक्शंस हो रहे हैं और अब घबराए हुए होंगे, समझ आ नहीं हो रही होगी कि कौन कर रहा है, क्योंकि हमें भी तो न्यूज़ नहीं है, किसी को भी नहीं पता चल रहा कौन करा रहा है। जैसे ही ये न्यूज़ आई थी कि कनाडा में एक बंदा गायब हो गया, मतलब मर गया, दूसरा यूके में मर गया है, वही लोग थे, एक तो झंडे जिसने चढ़ाया था झंडे वाला था और दूसरा जो लीडर था, तो ये दोनों प्रोमिनेंट मेंबर्स थे खालिस्तान के, जिनको मतलब खालिस्तानी मूवमेंट के, देयर इज नथिंग कॉल्ड रियलिटी में, तो मूवमेंट के थे, और वो मतलब उनकी मृत्यु हो गई है। अब इसके पीछे कोई भी हो सकता है, नोबडी नोज, मगर ये बहुत ही टाइम्ड इवेंट है, मोदी जी के आने से पहले ही ये सब कार्य हुए हैं। इसका मतलब अगर कोई वहाँ से एक्स्ट्रापोलेट करे, वो ये भी कह सकता है कि हो सकता है वो लोग कुछ ऑपरेशंस चला रहे थे, स्पाई एजेंसीज़ को हमारी पता चल गया कि कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं, उन्होंने बोला, ऑर्डर आया न्यूट्रलाइज करने के लिए, उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, अब ये सिचुएशन, दैट इज़ वन एंगल कि कोई सोचे कि अभी क्यों, कभी और क्यों नहीं, क्योंकि मोदी जी ने आना था तो उनको हो सकता है कोई ऐसा लग रहा हो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो, इसलिए उनको किया है, एक ये एंगल हो सकता है, या उनके आपस में कोई हो वो भी पॉसिबल हो सकता है, मगर नोबडी विल एवर नो। दूसरा, इंडिया ने पहले ही कनाडा और यूके को कहा था कि कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, और एक्शन को लगा होगा कि कंट्रोल नहीं कर पा रही कंट्रीज, और इंडिया ने बोला होगा कि हम अपना, ये एस्टिमेट है, हम अपना हो सकता है अपना जो भी करेंगे कार्रवाई हमने कर दी है, सिमिलर टू, अगर बहुत लोगों ने इसराइल का भी मेंशन किया, जैसे इसराइल आपको समझ आता है कि इसराइल इन इन लोगों के पीछे है, इन्होंने बहुत पंगे किए हैं इसराइल में, और आपको नज़र आता है कि यहाँ गए उसकी मृत्यु हो गई, यहाँ उसकी मृत्यु होगी, और इसराइल तो कभी नहीं कहता कि उसने किया है, मगर लोग न्यूज़ देते हैं, यूएसए भी तो करता है, हाँ जो भी करता है, मतलब ऑपरेशन इतना जो एजेंसी करती है ऑपरेशन, वो कंट्री कभी नहीं कहेगी हमने ऑपरेशन किया, दूसरे लोग उसका बोलते हैं हाँ इसी ने किया, इसी ने किया, ये सब हो रहा है, तो जो भी है वी डोंट नो, ये तो जो लोकल अथॉरिटीज हैं वही इन्वेस्टिगेट करके पता करेंगी कि क्या हुआ, एक में वो भी हैरान है, पॉइजन हो गया फूड में, एक में कोई बोल रहे हैं ब्लड कैंसर था, तो जो भी हो रहा है नोबडी नोज, वो तो उसके डिटेल्स आएंगे तभी पता चलेंगे, बट इतना ज़रूर है कि कुछ एक्टिविटी हुई है मोदी जी के आने से पहले, कोई एक्शंस लिए गए हैं कुछ है, और जो हमने अभी वीडियोस देखे उसमें भी बहुत टाइट सिक्योरिटी लग रही है, बहुत टाइट थी यार, मोदी जी के बाहर तो लोगों को हाथ भी नहीं मिलाने दिया उन्होंने, क्योंकि चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड्स थे, और जब अंदर गार्ड्स नहीं बोलते सिक्योरिटी ऑफिसर थे, और अंदर घुसे हैं तो अंदर जरा से एरिया में उन्होंने लोगों से मिले, मगर फिर आगे जाने नहीं दिया। मोदी जी चलते बड़ी तेज हैं, ये भी अच्छी बात है कि जैसे होता है यूं चलते हैं मोदी जी और सब भाग रहे जल्दी से। नहीं पर तो वैसे मोदी जी का जो कोशिश उन्होंने की थी कि मैं किसी तरह लोगों से कनेक्ट हूँ जो आए हुए हैं, कुछ कर पाए कुछ नहीं कर पाए हैं, पर ये एक एंगल होगा कि टाइट सिक्योरिटी इस वजह से भी होगी करंट सिचुएशन को देखकर कि उनकी सिक्योरिटी जो फुल प्रूफ हो। तो चलो फ्रेंड्स, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।